नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। हल्द्वानी शहर पिछले कुछ दिनों से चुनावी रंग में रंगा हुआ था। पहले एबीवीपी में टिकट को लेकर घमासान, फिर रश्मि लमगड़िया का निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय। इस सभी घटनाओं ने हल्द्वानी में चुनावी माहौल गर्माने में अहम भूमिका निभाई और कल वो दिन था जब प्रत्याशी अपनी मेहनत और किस्मत लेकर चुनाव के नतीजों के लिए मैदान में एक अंतिम बार उतरे। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए शहर में सुबह से ही पुलिस बल मुस्तैद दिखा। सुबह से ही मतदान के लिए एमबीपीजी में एक तरफा जहां विद्यार्थियों की भीड़ देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर भी समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। सिटी मजिस्ट्रेट ने यूं तो मीडिया को संबोधित करते हुए ये आश्वासन दिया कि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाए जाएंगे, मगर दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल सिटी मजिस्ट्रेट का आश्वासन धरा का धरा रह गया बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली और नियत पर भी सवालिया निशान लग गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि लमगड़िया की। कल दोपहर जब जेजेएन की टीम एमबीपीजी पहुंची तो रश्मि लमगड़िया अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठी थी और उन्होंने मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन पर संगीन आरोप लगाते हुए ये कहा कि उनके समर्थकों के साथ एबीवीपी द्वारा न सिर्फ मारपीट की जा रही है बल्कि उनके समर्थकों की गाड़ियों को रोका जा रहा है और पुलिस शिकायत के बाद भी तमाशबीन बनी हुई थी। लमगड़िया ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि अगर पुलिस उनके समर्थकों को गाड़ियों को नहीं आने देती तो वो ये चुनाव रद्द करवा देंगी और पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी। आप भी देखिए ये वीडियो। प्लीज, मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ कि पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा और हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई है जगह जगह पे। मतलब ये कौन सी बात होती है? अगर शासन इनके पास है, प्रशासन इनके पास है, तो हमारी गाड़ियाँ क्यों रुक रही है यार? मतलब हमारी बसें हर जगह से रोक दी गई है, ये कोई बात नहीं होती है। सर, मैं बताना चाहती हूँ, हर जगह हमारी गाड़ियाँ रुकी है। बच्चों के मेरे को कॉल आया अभी, आप लोगों को गरिमा नाम से एक कॉल आया, दीदी कौशल बिरखानी के सपोर्टर्स ने हमारी गाड़ी रोकी हुई है और ये पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कह रहा है। अंकल, वहाँ पुलिस प्रशासन कोई बात नहीं कर रहा है, अभी बुलाओ ना उन्हें यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है फिर? हमारी गाड़ी क्यों रोकी गई है? मतलब वहाँ पे बच्चों के कॉल आ रहे, दीदी गाड़ियाँ रुकी और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है तो पूरा पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। अगर हमारे वोटर्स यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो पूरा। अंकल नमस्ते, सबसे पहले प्रणाम, मैं आपके बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सब लोगों की। थोड़ा पीछे जाइए, बाकी लोग भी गई है। बता दिया बेटा, वहाँ पहुँच गया। अरे इधर आ जाइए मैडम। उसके बाद भी मेल बाबा में फोर्स भेज दिया है, अब कॉल करो ना, कॉल करो अभी। अभी मैम यहीं पे बात करते हैं ना? नहीं, मीडिया सामने का। अंकल मैं यहीं पे बात करना चाहूंगी। अंकल गाड़ियाँ भेज दिया हम, और आगे बताओ इसके अलावा बताओ। अरे बाकी इधर से आ जाओ मैडम। अंकल एक लड़की का कॉल आया, सोमेश सपोर्टर्स ने हमारी गाड़ियाँ रोक दी है। बता दिया गाड़ी वाला क्या कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ यहाँ लेकर आओ। गाड़ी वाला बता दिया, पहुँच गया, पूछो अब कॉल करो। अगर वो गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं पहुँचेंगी, अब कॉल करो, बताओ मुझे पहुँच गया फोर्स वन। अंकल अगर गाड़ियाँ यहाँ नहीं पहुँचती, पूरा पुलिस प्रशासन उसका जिम्मेदार रहेगा। अरे पहले कॉल तो करो। अंकल अगर गाड़ियाँ यहाँ नहीं पहुँचती है, मैंने कॉल करा उन्हें। पॉलिटिक्स हमसे मत करो, नहीं कर रही हूँ अंकल, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ। अगर हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं पहुँचती है, पूरा पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। मैं मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहती हूँ, कौशल अभी मेरे को गरिमा नाम की एक लड़की का कॉल आता है, वो बोलती है कि रश्मि दीदी कौशल बिरखानी के सपोर्टर्स ने यहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी हैं और हमको आने ही नहीं दे रहे और पुलिस प्रशासन कुछ ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज आप लोग से निवेदन करती हूँ। बहरहाल मामला शांत हुआ तो करीब 3 बजे मतदान समाप्त हुए। करीब
40.94% विद्यार्थियों ने अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग किया। इसके कुछ ही देर बाद शुरू हुई मतगणना, साथ ही शुरू हुई उल्टी गिनती उस फैसले की जिस पर निर्भर था प्रत्याशियों की मेहनत का निष्कर्ष और चुनावी भविष्य की दिशा। एक तरफ थे एबीवीपी के कौशल बिरखानी जिनके पास मजबूत संगठन का साथ था, तो दूसरी तरफ थे एनएसयूआई के सूरज भट्ट जिनके पीछे भी मजबूत पार्टी संगठन था। तीसरी तरफ थी रश्मि लमगड़िया जो निर्दलीय ही मैदान में उतरी थी, तो मुकाबले को चौतरफा किया अरम रजा ने जो लमगड़िया की तरह ही निर्दलीय मैदान में उतरे। मतगणना का पहला राउंड समाप्त हुआ तो लगा बाकी महाविद्यालयों की तरह यहाँ भी एबीवीपी का बोलबाला रहेगा, क्योंकि पहले राउंड के बाद जहाँ एबीवीपी के कौशल 146 वोटों के साथ पहले स्थान पर थे, तो दूसरे स्थान पर सबको चौंकाते हुए आई रश्मि लमगड़िया 114 वोटों के साथ। तीसरे स्थान पर काबिज हुए एनएसयूआई के सूरज भट्ट 23 वोटों के साथ। फिर आया दूसरा राउंड जिसने एक तरह से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और 48 वोटों की लीड लेकर नंबर एक की पोजीशन पर काबिज हुई निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि लमगड़िया। दूसरे राउंड की समाप्ति पर स्कोर था रश्मि लमगड़िया 306 वोट, कौशल बिरखानी 258 वोट, सूरज भट्ट 55 वोट। हैरानी की बात ये थी कि इसके बाद हर राउंड के अंत में रश्मि लमगड़िया की लीड बढ़ती गई और नंबर एक की पोजीशन वो अपने लिए और भी ज़्यादा मजबूत करती गई। तीसरे राउंड की समाप्ति पर ये लीड 169 हुई, तो वहीं चौथे राउंड के बाद ये अंतर 302 वोटों का हो गया। पांचवें राउंड के अंत तक जहां ये आंकड़ा 376 हुआ, तो वहीं छठे राउंड के अंत में ये आंकड़ा 460 पहुँच चुका था। सातवें राउंड की समाप्ति तक ये अंतर 530 का हुआ, तो वहीं आठवें राउंड के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 710 का हो चुका था। नवे राउंड के समाप्त होते होते ये अंतर और भी बढ़कर 801 वोटों का हो गया। दसवें राउंड तक रश्मि लमगड़िया ने अपनी जीत लगभग सुनिश्चित कर ली थी, क्योंकि उनकी और कौशल के बीच का अंतर 840 वोटों का हो चुका था। इसी के चलते रश्मि के समर्थकों ने सड़कों पर जुलूस निकालना और जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को बीच में आना पड़ा, क्योंकि छात्रों के बीच में झड़पें भी हो गई जिसके चलते गिरफ्तारियां भी हुई और पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। 11वें राउंड की समाप्ति पर रश्मि लमगड़िया की लीड 1000 के पार पहुंच चुकी थी, जिसे निर्णायक कहा जा सकता था, क्योंकि 15वें राउंड तक आते आते रश्मि लमगड़िया ने इतिहास रच दिया। इतिहास इसीलिए क्योंकि कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। बड़ी बात यह थी कि ना किसी संगठन का साथ, ना किसी हस्ती का सर पर हाथ, लड़की निर्दलीय मैदान में उतरी और सबको धूल चटा दी। आपको बता दें कि मतगणना संपन्न होने के बाद जहां रश्मि लमगड़िया 2,647 वोटों के साथ विजय रही, तो वहीं कौशल बिरखानी 1,353 मतों पर सिमट गए। तीसरे स्थान पर 470 वोटों के साथ एनएसयूआई के सूरज भट्ट रहे, तो वहीं निर्दलीय अरम रजा को सिर्फ 42 छात्रों का साथ मिला। जीत के बाद रश्मि लमगड़िया ने सभी विद्यार्थियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने जो भरोसा उन पर जताया है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। उन्होंने अपने पिता का भी आभार जताया और अपने मूल क्षेत्र उखलकांडा निवासियों का भी शुक्रिया अदा किया। बता दें कि जहां एक तरफ सभी नव निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को देर रात शपथ दिलाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जश्न के साथ साथ थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने को मिला। विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने सड़कों पर जुलूस निकाला तो पुलिस को भीड़ खदेड़ने के लिए लाठियां चलानी पड़ी। हालांकि हल्की झड़प के बाद मामला शांत हो गया और प्रत्याशियों के समर्थकों ने जीत का जश्न शांतिपूर्वक मनाया। जेजेएन न्यूज़ सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता है और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।